सिडनी इंटरनेशनल नैन्सी बर्ड वॉल्टन हवाई अड्डे या WSI का 2026 के अंत में खुलना तय है और यह क्षेत्र के लिए रोचक नए अवसर लाएगा। WSI पर प्रारंभिक उड़ान पथों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव वक्तव्य का ड्राफ्ट अब जन प्रदर्शनी पर लगा हुआ है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार समुदाय से फीडबैक मांग रही है ताकि विस्तृत डिजाइन के लिए उड़ान पथों को परिशोधित करने में मदद मिल सके। पर्यावरणीय प्रभाव वक्तव्य या संक्षेप में EIS एक दस्तावेज है जो किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों तथा इन प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित उपायों की जांच करता है। ये ऑस्ट्रेलियाई सरकार के पर्यावरणीय विधान के केंद्रीय भाग पर्यावरणीय संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 1999 में आता है। ड्राफ्ट EIS समुदाय, उद्योग और अन्य संगठनों के लिए प्राथमिक एयरस्पेस और उड़ान पथ डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने से पहले इस पर टिप्पणी करने का अवसर देता है। इसमें कई प्रकार के विषय शामिल हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट का शोर शराबा, हवा और पानी की गुणवत्ता, स्वास्थ्य संबंधी सोच विचार, भूमि उपयोग, ब्लू माउंटेन विश्व विरासत क्षेत्र और अन्य हवाई अड्डों पर प्रभाव। ड्राफ्ट EIS में आपको तीन अनुभाग मिलेंगे जो प्राथमिक उड़ान पथ डिजाइन पर विवरण देंगे, संभावित प्रभावों की जांच करेंगे और ये बताएंगे कि इनका प्रबंध कैसे किया जाएगा। सामुदायिक विचार EIS प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है और इससे WIS के लिए उड़ान पथों को अंतिम रूप देने में मदद मिलेगी। ड्राफ्ट EIS कम से कम 60 कामकाजी दिनों के लिए जन प्रदर्शनी पर लगा होगा और इस अवधि के दौरान आप एक औपचारिक सबमिशन करके अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जन प्रदर्शनी की अवधि पूरी होने पर सभी सबमिशनों की समीक्षा की जाएगी और इन्हें जन सबमिशन रिपोर्ट में संबोधित किया जाएगा। इसे 2024 में अंतिम EIS के साथ सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध कराया जाएगा। EIS पर और अधिक जानकारी अपने नज़दीक आगामी सामुदायिक सूचना समारोहों के विवरण और सबमिशन कैसे करें के लिए हमारी वेबसाइट देखें।